नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड्डे की सबसे ताजा खबर शशि थरूर को लेकर आ रही है, जहां कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। इस बार उन्होंने पीएम मोदी को एक सफेद घोड़े पर हाथ में तलवार लेकर बैठा हीरो करार दिया है। और मिड्डे की अगली ताजा खबर कांग्रेस को लेकर आ रही है, जहां बीमारी से जूझ रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर की बीमारी को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए गोवा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र देशप्रभु ने पारिकर की बीमारी के सहारे लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। और मिड्डे की अगली ताजा खबर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर आ रही है, जहां 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उन्हीं के गढ़ में मात देने के लिए प्रयासरत केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिवाली के मौके पर अमेठी में 10,000 साड़ियां बंटवाई हैं। और मिड्डे की अगली ताजा खबर राम मंदिर मामले को लेकर आ रही है, जहां राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जुटे देश भर के 1,000 संतों ने दिसंबर में ही राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए आज एक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। और मिड्डे की अगली ताजा खबर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन को लेकर आ रही है, जहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहली बार दिल्ली में कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर हलचल शुरू हो गई है। इस बीच सूत्रों की माने तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कमान एक बार फिर से शीला दीक्षित को सौंपी जा सकती है। और मिड्डे की अगली ताजा खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य को आकार देने का दायित्व निभाने वालों को पीटा जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ खंडपीठ ने हाल ही में 12,000 से अधिक सरकारी शिक्षकों के चयन को रद्द कर दिया था और 68,500 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया की CBI जाँच का आदेश दिया था। और मिड्डे की अगली ताजा खबर BTC अभ्यर्थी वाले मामले को लेकर आ रही है, जहां BTC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद प्रगतिशील समाजवाद पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भी योगी सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है, इसका खामियाजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। और मिड्डे की अगली ताजा खबर राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान विधानसभा चुनाव के बीच राज्य के प्रतापगढ़ जिले में एक भाजपा नेता समरत लाल कुमावत को दिन दहाड़े खत्म कर दिया गया है। इससे राज्य में सियासी भूचाल आ गया है। और मिड्डे की अगली ताजा खबर संयुक्त राष्ट्र संघ से आ रही है, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ को आईना दिखाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार संगठन के राजनीतिकरण को लेकर खेद जताया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि तन्मयलाल ने इस मानव अधिकार को विदेश नीति के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर चिंता जताई है। और मिड्डे की अगली ताजा खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में जारी भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिसके कारण जवाहर सुरंग में फंसे सैकड़ों यात्रियों को बचाने के लिए प्रशासन की ओर से बचाव अभियान चलाया गया है। तो ये थी मिड्डे की ताजा खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।